प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वार्षिक अवकाश के दौरान इस बार का अवकाश जुलाई माह में होगा। इसका मुख्य कारण स्कूलों में छुट्टियां होना बताया जा रहा है। वार्षिक अवकाश पर सभी व्यापारी सदस्यों ने सहमति जताई है और देर रात वार्षिक अवकाश की तिथियों पर अंतिम मुहर लगाई गई है। सुजानपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारिक सभी सदस्यों ने भाग लिया और निर्धारित तिथियों पर अवकाश करने के लिए सहमति जताई। बताते चले कि सुजानपुर व्यापार मंडल प्रतिवर्ष वार्षिक अवकाश घोषित करता है, जिसमें सभी व्यापारी पारिवारिक सदस्यों के साथ इन छुट्टियों का आनंद उठा सकते हैं। गत वर्ष भी व्यापारिक अवकाश हुआ था, लेकिन इसी बीच कुछ एक व्यापारी वर्ग द्वारा व्यापार मंडल को वार्षिक अवकाश स्कूलों में छुट्टियां होने के समय करने को कहा था, जिस पर व्यापार मंडल सुजानपुर ने अब की बार उस बात का ख्याल रखते हुए स्कूलों में छुट्टियों के मद्देनजर ही ये अवकाश निर्धारित किया है। बैठक में उपस्थित सभी ट्रेडर्स के अध्यक्षों को अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इस संबंधी सूचना देने को कहा है और ये भी तय हुआ है कि शनिवार 13 जुलाई को सुजानपुर बाजार में वार्षिक अवकाश को लेकर सबको सूचित किया जाएगा। प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान में पहुंचकर छुट्टियों संबंधी पत्र भी बांटे जाएंगे। HPFA निर्मला देवी मेमोरियल राज्य स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में अरुवंश चौहान की कप्तानी में दी मैग्नेट हमीरपुर व शाहपुर फुटबॉल अकेडमी में जोरदार मुकाबला हुआ। पहले हाफ में दोनों टीमों में कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन कई अटैक्स के बावजूद शाहपुर फुटबॉल अकेडमी और दी अकेडमी के खिलाड़ी कोई भी गोल नहीं कर पाए। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने अपने अटैक्स तेज कर दिए, जिसमें 20वें मिनट में धनपुर अकेडमी ने पेनल्टी स्ट्रोक से पहले गोल किया और स्कोर 1-0 हो गया। लेकिन खेल के 3 मिनट शेष रहते दी मैग्नेट हमीरपुर के विशाल राणा ने फील्ड गोल कर हिसाब बराबर कर दिया और स्कोर 1-1 की बराबरी पर आ गया और दूसरे हाफ के खेल की समाप्ति पर स्कोर 1-1 के बराबर रहा। टूर्नामेंट के विजेता के फैसले के लिए सिंथेटिक ग्राउंड में मैच रेफरी ने पेनल्टी शूट आउट का निर्णय लिया। पेनल्टी शूट आउट में दी मैग्नेट ने अपने पहले 4 शूट्स में सभी गोल किए और शाहपुर फुटबॉल अकेडमी के 2 शूट गोली अभय ने रोक लिए और दी मैग्नेट हमीरपुर HPFA निर्मला देवी मेमोरियल राज्य स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता बनकर उभरा। HPFA की राज्य स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता के आखिरी दिन से मुख्य अतिथि का स्वागत शाल व टोपी पहनकर अजीत सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर उपस्थित HPFA के महामंत्री दीपक शर्मा ने भी दी मैग्नेट के प्रिंसिपल अरुण चौहान की खूब प्रशंसा की और कहा कि दी मैग्नेट ने इतने खिलाड़ियों के रहने और खाने का इंतजाम किया है और साथ ही मैग्नेट ने हमीरपुर में इतनी बड़ी प्रतियोगिता करवा कर ये खेल को प्रोत्साहन दिया है। टूर्नामेंट के फाइनल डे पर मुनीश शर्मा हिमाचल बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने दी मैग्नेट स्कूल के प्रयासों की खूब बधाई दी और कहा कि दी मैग्नेट के इन बेहतरीन प्रयासों की वजह से फुटबॉल की गेम को प्रदेश में खूब प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि युवा इस तरह के आयोजनों से नशे से दूर रहेंगे। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्बाल ने हरा बाग के रोपड़ी में लगभग 1,55,00,000 रुपए से बनने वाली सड़क का विधिवत भूमि पूजन किया। वहीं कुराड़ा गांव को 1,42,00,000 और गांव बल के लिए 2,02,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इसे हिमाचल सरकार के द्वारा इस नेटवर्क को और बढ़ाया जा रहा है ताकि आम जन मानस तक यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। इसे हिमाचल सरकार के द्वारा प्रदेश के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाए, इसका प्रयास निरंतर जारी किया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शीली
सलवाना सड़क को 9 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, जिसका शीघ्र ही शिलान्यास किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने शिवा महिला मंडल रोपड़ी को भवन निर्माण के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रधान ने विधायक का शॉल व टोपी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। सोलन के जाने माने व्यवसायी राजकुमार मित्तल के घर के बाहर गोलियां चली। ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें 2 युवक आते हैं, जिनमें से एक युवक 3 बार गोली चलाता है और उसके बाद दोनों युवक वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आपको बता दें कि सोलन में जब भी गोली चलती है तो मित्तल परिवार का नाम ही सबके जहन में आता है। वे इसलिए क्योंकि मित्तल परिवार में जीजा साले के बीच में करोड़ों रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है और ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब तक 4 वर्षों में करीबन 4 बार गोलियां चल चुकी हैं। दिलचस्प बात ये है कि चारों घटनाओं में आज तक एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस विवाद से सारे शहर में दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। वहीं इस बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 2 युवक घटनास्थल पर आए थे और उनमें से एक ने फायर किए, जिसमें से एक गोली का शेल उन्होंने बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि राजकुमार मित्तल ने 1 सप्ताह पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई गई थी। आपको बता दें कि सोलन के पावर हाउस रोड पर जहां गोली चली है, वहां से केवल 200 मीटर दूर सप्रून चौकी है और आरोपी युवक गोली की घटना को अंजाम देकर पुलिस चौकी के आगे से ही फरार हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ, सूत्रों की माने तो आरोपी युवक हरियाणा के हैं और धमकी भी हरियाणा के व्यक्ति ने ही व्यवसायी राजकुमार को दी थी।